नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया नजराना दुरूद पाक पढ़े सलातो सलाम अलैक या रसूलल्लाह सलातो सलाम अलैक या हबीबल्लाह सलातो सलाम अलैक व अला मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों मुबारकबाद के मेज़बान महफिल पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल को कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस महफिल में सबके हम सब की बेहिसाब माफ़रत फरमाए और बहुत ही प्यारी हकीकत बात है हमारी खुशबख्ती है कि हमें एक मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने और अपने प्यारे हबीब के जिक्र में बैठने की तौफीक अता फरमाई। महबूब की महफिल को महबूब से जानते हैं, महबूब की महफिल को महबूब से जानते हैं, आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं वो लोग खुदा शान किस्मत के सिकंदर हैं जो सरवर आलम का मीलाद मनाते हैं, जो सरवर आलम का मिलाद मनाते हैं। और इस महफिल में आपका आगाज अल्लाह की बारगाह किताब के साथ हो चुका है, यही है तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, ऊंचे से इस्लाम हो जाए, ऊंचे से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। और इस तरह तो यही है तालीम कुरान आम हो जाए और तिलावत करना हमारा सुबह शाम हो जाए, तिलावत करना हमारा सुबह शाम हो जाए। और कुरान पाक क्या कहता है, कुरान पाक कहता है कि जो मुझे याद करेगा तो वो हाफिज बन जाएगा। ऊंचा बोलो सुभान अल्लाह, जो मुझे याद करेगा वो हाफिज बन जाएगा, जो मेरा तर्जमा करेगा तो वो आलिम बन जाएगा, आलिम बन जाएगा। और जो मेरी तफसीर पढ़ेगा तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ेगा तो वो मुफस्सिर बन जाएगा, अगर वो मेरी तकरीर करेगा तो फिर मुबल्लिग बन जाएगा, अगर उसने मेरे साथ मोहब्बत की तो मोहब्बत की तो कब्र उसकी कब्र को मैं नूर बना रहा हूं। तो मोहतरम ये कुरान पाक की बरकत है, अल्लाह का करम है। और मैं
फखर से कहता हूँ कि हकीकत बात है, हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी ड्यूटी सिर्फ कुरान पाक पढ़ाने के लिए गई है। तो सुबह भी उठता हूँ कुरान पाक की ज़ियारत करता हूँ और जब सोता हूँ तो कुरान पाक पढ़कर सोता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये हमारी नौकरी कबूल मंजूर फरमाए। और मैं अगले सनाकार को दावत देने लगा हूँ। हुजूर चुप दे ताले खोलन सीखो, जिंदड़ी यार बना खोलन सीखो, कबर हशर वच गल बन वैसी, जिक्र नबी के बोलन सीखो। और मैं नात के लिए दावत दूंगा हाफिज मोहम्मद नदीम साहब से, वो आए हमारे लोग को नबर फरमाए। हाफिज मोहम्मद नदीम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मिला नबी सराखान मुस्तफा।